सभी मित्रों को सादर जय जैनेन और नमस्कार। मैं अशोक जैन, मिलन अभिव्यक्ति की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं, हम सभी मन के गुलाम हैं। मित्रों, हम सभी मन के फकीर हैं, पर हम कभी भी हमारे साथ में कुछ लेकर नहीं चलते हैं। हम धन दौलत लेकर नहीं चलते हैं, हम हमारी संपत्ति जेब में रखकर नहीं चलते हैं, हम हमारे पद प्रतिष्ठा शरीर पर टांग कर नहीं चलते हैं। यह हमारा मन ही है जो हमें क्षण में करोड़पति बना देता है और अगले ही क्षण खाकपति बना देता है। यह हमें दुनिया के सब दूर की सैर कराता है और हमें हमारे कमरे में बंद कर देता है। यह मन ही है, हम जो हैं सो हैं, पर यह हमारा मन हमें बहुत कुछ कर देता है, हम इसके गुलाम हैं। आप देखिए, एक गरीब आदमी रोटी और प्याज की चटनी के साथ खाना खाता है, वो चैन पूर्वक सोता है। वहीं दूसरी ओर एक धनाढ्य आदमी 56 पकवान खाता है और रात पर बिस्तर पर बेचैन होकर करवटें बदलता रहता है। यह मन ही है, इस मन ने हमें गुलाम बना रखा है। यह मन में जो सोचता है वही हम करते हैं, वास्तविकता से दूर रहते हैं। अगर इस मन को हम शांत कर लें, इस मन को हम धैर्य रखें, इसे हम कंट्रोल में रखें, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखी हो सकता है। इस मन को जिसने हमें गुलाम बना रखा है, हमें चाहिए कि हम इसे अपना गुलाम बना लें। निश्चित ही अगर यह स्थिति हो जाती है तो हमारा जीवन सुखप्रद होगा। पर अगर इसे गुलाम बनाने के बजाय अगर इसे एक अच्छा दोस्त बना लिया जाए तो निश्चित ही हम और ज़्यादा सुखमय जीवन बिता सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम प्रयास करते हैं इस मन को हम कंट्रोल करें, इसे अपना एक जीवन साथी बना लें, इसके गुलाम न बनते हुए इसको अपना गुलाम बनाएं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।